दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रोहित शर्मा के शतकीय प्रहार से थर्रा उठा पूरा पाकिस्तानी खेमा। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में अग्नि परीक्षा को पार करते हुए अपना शतकीय प्रहार कर दिया है। रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ अंदाज में छक्के और चौके की बारिश करते हुए अपना शतक पूरा किया। ऐसे में उनकी इस पारी को देखकर पाकिस्तानी दिग्गजों के होश उड़ा देने वाला बयान सामने आया है। पाकिस्तान के दिग्गजों ने अपने बयान में रोहित शर्मा को लेकर कुछ ऐसी बातें कह डाली है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार पाकिस्तानी दिग्गजों ने रोहित शर्मा की पारी पर कौन सा बड़ा बयान जारी किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां विरोधी टीम के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम मात्र 177 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम आई, जहां भारतीय टीम की तरफ से पहले दिन की समाप्ति तक भारत ने 77 रन बिना विकेट खोकर बना दिए। लेकिन दूसरे दिन भारतीय टीम ने बेहतर प्रदर्शन कर दिया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना 9वां अर्धशतक पूरा कर लिया। आपको बता दें, रोहित शर्मा दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में बतौर खिलाड़ी और कप्तान शतक लगाए हैं। तो वहीं रोहित शर्मा ने अपना शतक लगाकर सभी को हैरान कर दिया। ऐसे में भारतीय टीम को इस टारगेट में बढ़त भी हासिल हो गई है। इनकी इस पारी को देखकर पाकिस्तानी दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें सलमान बट ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया है। मुझे बिल्कुल भरोसा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा अपने शानदार प्रदर्शन से हर किसी को हैरान कर देंगे, ऐसा ही यहां पर रोहित शर्मा ने किया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि रोहित शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी करते हुए दिखा दिया है कि अब वो पूरी तरीके से तीनों फॉर्मेट में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में भारत को अब हरा पाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। तो वहीं जावेद मियांदाद ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया, जहां पर रोहित शर्मा ने दिखा दिया कि किस तरीके से आप कप्तान की जिम्मेदारी हासिल करने के साथ बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं और टीम को मजबूती दिला सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा ने हमेशा से बेहतर प्रदर्शन किया है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को दिखा दिया कि भारतीय टीम को हराने का सपना ऑस्ट्रेलिया की टीम ना देखे, क्योंकि जीतने से पहले आपको रोहित से बचना होगा। इतना ही नहीं, अफरीदी ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए जिस अंदाज से रोहित शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया है, उसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। मैं भी रोहित शर्मा का हमेशा से प्रशंसक रहा हूं और मेरा सबसे बेहतरीन भारतीय प्लेयर रोहित शर्मा है। ऐसे में रोहित शर्मा ने मेरा एक बार फिर से दिल जीत लिया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि रोहित शर्मा ने दिखाया है कि उनसे बेहतर बल्लेबाज इस समय भारतीय टीम में कोई भी नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा अपनी जिम्मेदारी से टीम को मजबूती दिलाते हैं और वैसा ही काम आज उन्होंने करके भी दिखाया है। तो दोस्तों रोहित शर्मा की शतकीय पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।